हेलो जी, केम छो तमे? तो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे फूल देते हैं। तो यहाँ पर हम नर्सरी में आ गए थे और सर्दियों वाले पौधे यहाँ पर इन्होंने सामने ही रखे हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे थे। और वैसे एक बार नर्सरी में पहुँच जाओ ना तो मन करता है कि सारे फूल वाले पौधे ले लिए जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी प्लांट को तो नहीं ले सकते। लेकिन ये वाले जो फूल थे ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये 50 रुपये बोल रहे थे इस प्लांट के, तो आपके वहाँ कितने में मिलते हैं ये प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें। और यहाँ पर गेंदा फूल के भी थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ये आप देख सकते हैं। और ये पता नहीं सूरजमुखी था शायद, छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लग रहे थे। और फिर यहाँ पर गुलाब की वैरायटी भी थी, गुलाब के पौधे भी थे अच्छे अच्छे खासे। तो यहाँ पर मैंने भी एक गुलाब का पौधा ले लिया था, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ही मैंने खाद के एक पैकेट भी लिया हुआ था और इन्होंने 20 रुपये में वो पैकेट दिया था, जो खाद का एक पैकेट लिया था वो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर तुलसी ली थी और ये गुलाब का पौधा लिया था, ये 70 रुपीज़ में मिला था। ये वाइट रोज़ेस भी थे, 80 रुपीज़ बोला था। तो घर आके फिर यहाँ पर कुछ दिन मैंने उसे ही रहने दिया था ऐसे ही। उसके कुछ दिन बाद में मैंने यहाँ पर मिट्टी लेके आई और ये जो खाद है इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से इसमें मिक्स किया है। और ये जो खाद है ना, ये वर्मी कंपोस्ट है और बहुत ही अच्छे से मैंने ये मिट्टी में मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये मिट्टी में ये मुझे खाद मिट्टी वाली जो खाद है वो मुझे जहाँ पर ये दो छोटे छोटे से बाल्टी थे नए हैं बिल्कुल, तो मैं इसमें गुलाब के और दो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी है उनके पौधे लगाने वाली हूँ। तो ये मैं मम्मी के घर से लेके आई थी। और ये जो गुलाब है, हम लोग वहाँ पर 3 दिन रह गए थे तो थोड़ा सा पत्तियाँ इसकी सूख गई है, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इस तरह से। और मनी प्लांट भी रखा हुआ था मैंने, मैं पानी में भी। और तो यहाँ पर नानी के घर पर मेरा प्रतीक और बाकी बच्चे भी पतंग उड़ा रहे हैं, तो जाकर देखते हैं मेरा छुटकू क्या कर रहा है। और मेरा प्रतीक आई थिंक पहली बार पतंग लेकर आया है इधर, तो ये रहा और ये रहा मेरा छुटकू। वहाँ धूप है और ये है जामुन का पेड़ जो कि बहुत ही बड़ा है। पतंग तो अभी यही है और ये लोग लपेट लपेट चिल्ला रहे हैं। अरे बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ है, जामुन का सीज़न जब आता है तो बहुत ही जामुन आता है इस पर। और ये इतना नीचे नीचे है, ये आप देख सकते हैं कितना नीचे है ये। और यहाँ पर खटिया वगैरह रखा गया है, बिस्तर वगैरह भी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर इस तरह से ना ये लगाई हुई है जाली टाइप की और ये पूरा छत है, बहुत ही बड़ा छत है। और ये नीचे का है, ये नीचे का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे एक और फ्लोर है, तो अभी हम लोग तीसरे फ्लोर पे हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, ये सीढ़ी इस तरह से है, ये पुराने मॉडल का घर है। और ये पीछे साइड का है, ये नीचे का है और यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है। और ये इनकी पतंग उड़ रही है हवा में और थोड़ी ऊपर पहुंच चुकी है। हाँ कैसा लग रहा है? अब चलो घर जाने का टाइम हो गया।
तो अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि मैं आई थी, थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैं यहाँ आई थी। अब मैं मेरे घर जाऊंगी, तो अभी ये सारे बच्चे नीचे उतरेंगे क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, तो मैं लॉक करके ही जाने वाली हूँ। और इन दोनों ने एक दूसरे की ही पतंग कट कर दी है और लपेट लपेट सिला रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे। आओ, ये पैर की वजह से ना हालत खराब कर दी हो गई है। वाह वाह, अरे तुम्हारे लिए दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, पी लें दो। चलो इसको पी लें दो, ये बाहर रखना, पी लें दो इसे। क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, ये कोई बात नहीं, पी लें दो। बाबू का है, किसका है, किसका है? क्या हो गया? आजा, नहीं तो पीने दो ना, हम भी। हाँ बिल्ली, पीने दो। देख तो, कोई बात नहीं। ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली हमारे घर में ही रहती है, उसके बच्चे भी। तो इसको दूध देना था, मेरे छुटकू ने देख लिया कि मैं इसको दूध दे रही हूँ। इसको लगा कि अब ये दूध पी जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। इसके वजह से मैं उसको दूध दे रही थी, लेकिन ये इसको पीने नहीं दे रहा था। ये रो रहा था बहुत ही ज़्यादा। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, और यहाँ पर मेरे प्रतु को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आलू वगैरह मैश करना। तो जब भी आलू मैश करने का काम होता है या आलू पराठा बनाना होता है, तो मैं इसे दे देती हूँ। यहाँ इसकी दादी का फ़ोन आ गया था, तो वही ये बात करने लगा था। और लेकिन आलू मैश करना बंद नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि रुक जाओ, थोड़े देर रख दो, हो चुका है वो, बात कर लो। लेकिन उसको आलू मैश करना में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आलू मैश कर, क्या बनेगा आलू का? बाबू आलू छीन लेता है। पराठे, ओ पराठा बनेगा। हाँ।